हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक यूनिट क्या होती है और एक यूनिट बिजली का बिल कब आता है। सो एक यूनिट जो होती है वो 1 किलो वाट आर होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि अगर कोई जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है हमारी, उसके ऊपर लिखा हुआ कि ये जो पावर कंजप्शन करता है वो 1 किलो वाट का है। हम आप बोलते ही हैं ना कि ये जो प्रेस है वो 1000 वाट की है, ये मतलब 100 वाट का है। तो हम बोलते हैं ना, 1 किलो वाट का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक किलो वाट का मतलब होता है 1000 वाट, यानी कि जो प्रेस होती है वो प्रेस 1000 वाट की होती है। हमारा जो बल्ब होता है वो 100 वाट का होता है, ठीक है, और हमारा जो एसी होता है वो कितने वाट का होता है, और वो कितनी बिजली फूकेगा, जलाएगा, और आपका बिल कितना आएगा। 1 घंटा एसी चलाओगे तो कितना बिल आएगा, 1 घंटा कूलर चलाओगे तो कितना बिल आएगा, ये सब चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फ्रिज। आप अपने फ्रिज पे जाइए और फ्रिज के ये जो ऐसा बना होता है ना, जहाँ पर 3 स्टार 2 स्टार लिखा होता है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा पावर कंजप्शन करके लिखा होगा कुछ, वहाँ पे लिखा होएगा कि वो कितने वाट का है। अमूमन जो फ्रिज होता है वो 100 वाट से लेके 200 वाट के अंदर अंदर होता है। सो जो एक यूनिट कब आपका बिल आएगा, एक यूनिट कब आता है बिल, जब कोई 1000 वाट की जो चीज़ होती है, 1000 वाट का कोई प्रोडक्ट है आपका, वो 1 घंटा, 1 घंटा यानी कि 1 आवर चल जाए तो आपकी 1 यूनिट बिल आ जाता है। अब अगर हम फ्रिज की बात करें, फ्रिज जो है मान लीजिए 100 वाट का है, 100 वाट का है, यानी कि अगर 100 वाट की चीज़ 10 घंटे, 100 वाट की चीज़ 10 घंटे चलेगी तो आपका 1 यूनिट बिल आएगा, ठीक है। ये फ्रिज के केस है, फ्रिज का केस यानी कि 100 वाट का हमने मान लिया कि 100 वाट का हमारा फ्रिज है। आप किसी भी चीज़ का पता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई न्यू फैन लिया है, कोई कूलर लिया है, आप उसके ऊपर उसकी पावर कंजप्शन देखिए वो कितने वाट का है, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या होता है, बस इतना होता है कि आपको याद रखना है कि 1000 वाट की चीज़ है और वो 1 घंटा चलती है तो अपनी 1 यूनिट का बिल आएगा। यानी कि अगर इन दोनों को हम प्रोडक्ट करें, 1000 वाट इंटू 1 आर, तो हमारा आएगा 1 किलो वाट आर। इसे हम 1 यूनिट कहते हैं, या फिर 1000 वाट आर, ये 1 यूनिट के बराबर होता है ये, ठीक है सर। तो हमने 1000 WH बनाना होता है, अगर ये बन गया तो हमारा 1 यूनिट का बिल आ जाएगा। अब अगर हम एसी की बात करें, आपने न्यू एसी लगाया, पता चल कैसे करें कि आपका बिल कितना आएगा, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है, आप देखिए एसी के ऊपर लिखा होगा कि उसकी पावर कंजप्शन, मान लीजिए आपने अगर ऐसा स्प्लिटर लगाया है तो उसके ऊपर लिखा होगा 1.5 किलो वाट, ठीक है सर। यानी कि 1 घंटे में ये 1 घंटा, अगर हम इसको 1 घंटा चलाएंगे तो हमारा 1.5 यूनिट बिल आएगा, अगर हम 2 घंटा चलाएंगे तो 3 यूनिट, ठीक है सर। अगर आपकी रात भर चलता है, यानी कि मान लीजिए आपका 6 घंटे मान लो एसी चला है, तो आपका जो बिल आएगा वो आएगा 9 यूनिट, 9 यूनिट 6 घंटे का बिल आएगा, जो आपका अगर एसी 1.5 किलो वाट का है। ये आपने चेक करना होता है, अपनी उसके ऊपर देखिए, कोई भी प्रोडक्ट है जो आपका, जिसके बारे में आपने चेक करना है उसके ऊपर देखिए, वो लिखा होगा। आगे हम चलते हैं, अगर फ़ैन की बात करें, फ़ैन ज़्यादातर 75 वाट का होता है, 100 वाट से कम होता है, ठीक है सर।
2 घंटे, ये सिर्फ अगर मान लीजिए 100 वाट का मान ली जीती है, वैसे तो इससे कम ही होता है, 100 वाट का मान लेते हैं, तो अगर ये 10 घंटे चलेगा तो बन जाएगा हमारा 1000 वाट आर, यानी कि 1 यूनिट। तो फैन जो हमारा होता है वो 10 से 12 घंटे चलने के बाद 1 यूनिट का बिल आता है हमारा। 1 यूनिट हमारा 10 से 12, 12-13 घंटे लगा लीजिए, 12-13 घंटे में, यानी कि एक रात पूरी चलाएंगे तो हमारे सिर्फ 1 यूनिट फूकेगा। 1 यूनिट यानी कि अगर आपके यहाँ पर 8 रुपये यूनिट है तो आपका 8 रुपये बिल आएगा एक पूरी रात फैन चलाने का। और अगर बात की है एसी की, तो एसी 6 घंटे में 9 यूनिट जला देगा, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो 72 रुपये एक रात का। अब अगर बात करें कूलर कितनी फूकता है, बिजली कितनी फूकेगा, तो कूलर भी लगभग 150 वाट के आसपास होता है। तो अगर हम देखेंगे तो अगर 10 घंटे चलाया हमने कूलर, तो हमारा 1500 वाट आर, यानी कि 1.5 यूनिट, 1.5 यूनिट फूकेगा। 1.5 यूनिट एसी 1 घंटे में फूक देता है और कूलर 10 घंटे में फूकेगा। तो आपका हिसाब लगा लिए कि कूलर से एसी 10 गुना ज़्यादा बिल लेकर आएगा अगर आपका कूलर 150 वाट का है। ठीक है सर, ये आप अपने कूलर के ऊपर देखिए भी वो कितने वाट का है। ज़्यादातर कूलर बड़े, अगर पुराना है तो आपका 200 वाट का भी हो सकता है कूलर, 180 वाट का भी हो सकता है। तो देखिए, अगर आपका 200 वाट का कूलर है तो अगर आपने 10 घंटे चलाया तो आपका 2 किलो वाट आर, यानी कि 2 यूनिट चली जाएगी। 10 घंटे का 2 यूनिट यानी कि 16 रुपये। अगर हम यहाँ पर ट्यूब की बात करें, ट्यूब देखिए आपके सामने ही है, 20 वाट की है। अगर 20 वाट को हम 100 घंटे चलाएं, 100 घंटे देख लीजिए, तो हमारा 2 यूनिट बिल आएगा। 2 यूनिट 20 वाट, 100 घंटे चलेगा, 10 घंटे में ये 200 वाट करना था, तो 2 यूनिट फूकने के लिए इसको 100 घंटे चलना पड़ेगा 20 वाट की को। और 2 यूनिट का कितना, अगर 8 रुपये के हिसाब लगाएं तो 16 रुपये बिल आएगा, यानी कि एक ट्यूब 100 घंटे चलेगी तो 16 रुपये आपका बिल आएगा। यहाँ पे बल्ब की बात करें, बल्ब 12 वाट से भी शुरू हो जाता है, 10 वाट का, 9 वाट का, 20 वाट का, 25 वाट का। अगर मान ले आपने 20 वाट का लगा रखा है, और आपने ये भी सेम ही चीज़ है, 1 यूनिट बिजली का फूक जलाने के लिए आपने अगर मान लीजिए 10 10 घंटे चलाया, तो आपको 50 लगभग 50 घंटे चलाना पड़ेगा 1 यूनिट का अगर बिल लेके आना है। ठीक है सर, तो आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ थोड़ा सा। एक अगर मान लीजिए 100 घंटे चलाते हैं हम, तो ये बनेगा 2000 वाट आर, यानी कि 2 यूनिट, 2 यूनिट का बिल लेकर आने के लिए आपको 200 घंटा चलाना पड़ेगा। 1 यूनिट का बिल लेके आने के लिए 50 घंटा, 50 घंटा अगर आपका बल्ब चल रहा है, ये जग रहा है, तो आपका 1 यूनिट बिल आएगा अकेली अकेली चीज़। ये आ गया हमारा 100 वाट का पुराना बल्ब, आपका सीधा सीधा हिसाब है, 100 वाट का बल्ब है, अगर ये 10 घंटे चलेगा तो हमारा 1000 वाट आर, यानी कि 1 यूनिट, यानी कि 10 घंटे चलाने के लिए आपको 1 यूनिट फूकेगा। और जो दूसरा बल्ब था 20 वाट का, वो हमारा 50 घंटे चलेगा तो हमारी 1 यूनिट। तो आप देख लीजिए कौन सा बल्ब आपको लगाना है और कौन सा नहीं लगाना। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका घर का बिजली का बिल कम आए, तो इस बल्ब को उठा के बाहर फेंकिए, ये 100 वाट का है, यानी कि इस जितनी बिजली ये फूकेगा उतने में 5 ऐसे चल जाएंगे। ऐसे अपना घर का बिजली का बिल कैसे मेंटेन करते हैं, ऐसे करते हैं। अब आगे बात प्रेस की, प्रेस अमूमन 1000 वाट की होती है,
तो इसका तो सीधा सीधा हिसाब है कि एक घंटा चलाएंगे तो आपकी ये एक यूनिट जल जाएगी, ठीक है। कोई भी 1000 वाट की चीज़ अगर एक घंटा चलेगी तो एक यूनिट बिल आता है। तो अब आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि आपने अगर कोई न्यू चीज़ खरीदी है वो कितना बिल लेकर आएगी आपका घर का, और आपका बजट कितना इफ़ेक्ट करेगी। वो आप सिर्फ इतना सा देखना होता है कि आपकी चीज़ कितने वाटेज की है। अगर वो 1000 वाट की है तो एक घंटा चलाने से आपका एक यूनिट आएगा। अगर वो 500 वाट की है तो 2 घंटा चलाने से आपका एक यूनिट बिल आएगा। अगर आपकी 250 वाट की है तो 4 घंटे। ऐसे आप देख सकते हैं, यानी कि 1000 वाट, 1 घंटा, एक यूनिट का बिल आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने जो न्यू प्रोडक्ट खरीदा है वो कितने वाट का है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना। थैंक यू।